कलयुग में केवल हनुमान जी ही हैं जो सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। ये हनुमान जी की भक्ति, इससे सरल और इससे कोई वो कंडीशन ही नहीं है जी। हाँ, किसी भी कंडीशन में आप बस मन से हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है और आपके सारे कष्ट, सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जय सियाराम, जय सियाराम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को रखा। हनुमान जी के मंदिर में हम लोग उपस्थित हैं और ये बाबा नीम किरोड़ जी का आश्रम है और हमारे सामने ठीक साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। स्वागत है आपका, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम गिरीश है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी, जी राजनगर एक्सटेंशन से। अच्छा, वहाँ से आप यहाँ पे आते हैं सर? हमारे मित्र ने भंडारा करना था, वी पी शर्मा जी ने, तो उन्होंने आमंत्रित किया था। तो ऐसी यहाँ की मानना है कि बिना बाबा जी की बुलावे के, बिना उनकी इच्छा के यहाँ कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। जी जी जी, तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ, वो खड़े हैं सामने हमारे, और उनके सौजन्य से मुझे जो इतना आनंदमय कीर्तन सुनने को मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज को जो जागृत करना, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा लाभ जो है आप सनातनियों को दे रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा से अवगत करा रहे हैं। कलयुग में केवल हनुमान जी ही हैं जो सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं, और कुछ नहीं चाहते, केवल निश्चल भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए, बस उसी के लिए मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए रुका था। जी जी, और मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ रेगुलरली और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है और सुख की अनुभूति होती है कि ऐसे लोग हैं जो निश्चल लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। अच्छा, कुछ भक्तों की कल्याण के लिए बहुत सारी जिज्ञासा होगी, कुछ हनुमान जी की साधना कैसे करते हैं आप, कब से कर रहे हैं, कुछ अगर बताना चाहें। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ जी,
तो बचपन से ही माँ, मेरी माँ जो उठती है तो भजन गाती हुई, तो उनको सुन सुन के कुछ भजन भी याद, भजन तो नहीं, हाँ मंत्र याद हो गए। तो बचपन से ही मेरी रुचि है, और हमारे यहाँ घर में परिवार में हमेशा रेगुलरली, हमारे यहाँ पार्टी नहीं होती है, रामायण का पाठ होता है, बहुत रामचरित मानस। हम घर में सभी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं, ब्रदर थे, और मैं बैंक मैनेजर, लॉयर, और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, और बच्चे हमारे सारे एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। तो मैं उसका नहीं विवरण करूँगा, मेरा मतलब यह है कि हमारा जो वातावरण है, जो एक ब्राह्मण परिवार में होता है वो था, और हनुमान जी की भक्ति, तो भगवान, हर सब भगवान की हम भक्ति करते हैं, और विशेषकर हनुमान जी और से इसलिए लगाव है क्योंकि रामचरितमानस रेगुलर होती थी। यानी आपके यहाँ कोई भी उत्सव होता है तो आप रामचरितमानस, हमारे यहाँ रामचरितमानस का ही पाठ होता है, जन्मदिन होगा तो भी रामचरितमानस होगी, जो कुछ भी होगा वो करते हैं, और उसी को ही बस, फालतू दिखावा कुछ नहीं है। जी जी, केवल जी, आप चूंकि इतना अनुभव है आपका हनुमान जी की पूजा करते समय बीता, और पूरा वातावरण आपके घर का एक तरह से भक्तिमय, हनुमान चालीसा में आता भी है कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई जीवन जीवन पावे, यानी व्यक्ति का जो मनोरथ है, जो उसकी चाहत है, जो उसकी इच्छा है, सब पूरी होने लगती है, रास्ता आसान हो जाता है। आपका अनुभव कुछ इस तरह का हो जो आप, तो जब कभी भी बड़े से बड़े कष्टों में भी रहा, पर भगवान ने हमेशा कृपा करी है। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आप मेरी बातों से आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा, मैं 25 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। अच्छा। और मेरा परिवार, परिवार के साथ 16 साल रहा हूँ, और मेरा परिवार भी वेजिटेरियन ही रहा है और आज भी, और हमें कभी जिज्ञासा भी नहीं हुई कि इस तरफ देखा भी जाए। तो वहाँ पर जो लोग मौलवी होते थे वो मेरे को बड़े सम्मान से देखते थे, वो कहते थे कि मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, और आप, हम चाहते हैं कि हम आपको अपने साथ नमाज पढ़ता हुआ देखें। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरे, मैं पहले एक अच्छा इंसान तो बन जाऊँ। कहते यही अच्छी बात है, हमारे यहाँ मुसलमान कोई ये नहीं कहता, कि वो तो ये कहता कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एक परिवार में जैसे पांच उंगली बराबर नहीं है, कोई अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई साधारण है, कोई नालायक है, तो सब तरह के लोग होते हैं, सबका अलग चरित्र। परिस्थिति में रहने के बाद भी हमने, हाँ, सुमति के संगी जो कहा गया है, ये सुमति बनी रही, बनी रही और आज भी है, और यही बच्चों में भी है, क्योंकि बच्चों ने भी हमेशा, उनको वो लगता ही नहीं है कि ये आजकल के बच्चे हैं, वातावरण घर का ऐसा रहा है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बच्चों की तरह नहीं, मित्रों की तरह पाला है। एक आखिरी जिज्ञासा हम चाहेंगे कि भक्तों को आप ये बताएं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कई बार भटकाव की शिकार हो जाती है, उनके माता पिता थोड़े परेशान होते हैं, ऐसे लोगों को बताएं कि वो हनुमान जी की शरण में जाएं। और बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है और सबसे यही विनती है कि अपने बच्चों के साथ अपनी संस्कृति बांटें, हर बच्चे को रामचरितमानस अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि वो सारे चरित्रों का निर्माण उसी से होता है, सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर बिल्ट होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके, क्योंकि आज लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा इतना समृद्ध चरित्र है और संस्कृति है, और हमारा धर्म, दुनिया में इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है, जो कभी किसी को बैर समझता ही नहीं, सबको गले लगाता है। तो ऐसे धर्म और ऐसे संसार में हम पैदा हुए हैं, तो उसका लाभ लेते हुए हमें यह है कि ये हनुमान जी की भक्ति, इससे सरल और इससे कोई वो कंडीशन ही नहीं है जी, हाँ, किसी भी कंडीशन में आप बस मन से हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, और आपके सारे का सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो इतना अच्छा अवसर दिया मुझे अपने भाव प्रकट करने का, और आप जो सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं तो चाहता हूँ ऐसे लाखों करोड़ों मनोज भारद्वाज जी हों। जी हाँ जी हाँ, और जी हमारी पूरी मानव जाति का सुधार हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, जय सियाराम, जय सियाराम।